अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल कराची में एक सिलसिला शुरू किया है और इस हवाले से जो एक मकसद है वो है कि पाकिस्तान टैलेंट यूनाइट्स, और जो लोग आए उन्होंने अपनी एक सपोर्ट दिखाई और इंशाल्लाह ये सिलसिला लाहौर जाएगा और आगे ये चलता रहेगा। और इसका मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो क्रिएटिव्स हैं उनको हिफाजत देना और उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग, उनकी क्रिएटिव वेलबींग, इन सब का ख्याल रखना। और हमारी आज इल्तिजा थी हमारी हुकूमत से और जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है कि आप एक बैठ के जो लोग हमारी इंडस्ट्री की उनसे बात करें और देखें कि मसाइल हैं क्या, क्योंकि आजकल जो भारत से हम चीज़ें लेके यहाँ पे चला रहे हैं तो भारत में हमारी चीज़ें क्यों नहीं चल रही, बिकॉज ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी है वो सफ़र कर रही है और हमारा जो अभी फंड्स हैं पाकिस्तान के वो हम जाके इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर इज़ हम ये अफोर्ड कर नहीं सकते। तो अगर इंडिया खुशी खुशी से हमें चीज़ें बेच रहा है तो फिर इंडिया को खुशी खुशी से हमसे चीज़ें खरीदनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी स्पोकन लैंग्वेज एक ही है। और यहाँ पे भी एक नीयत की बात आती है, पॉलिसी मेकर्स की बात आती है कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्रीज को बैठ के एक सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए कि जी हमने करना क्या आगे, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं काम करेगी तो फिर जो आपकी जो एक ट्रेड है वो सारा ऑर्गेनाइज नहीं होता। एंड आई होप एंड प्रे कि दिस मूवमेंट कंटिन्यूज़ और आगे बढ़े और जो लोग आ जाए वो आगे इसको बढ़ाएँ, लेके जाएँ। मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगी एंड ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी जो भी अच्छा काम कर रहा होगा हमारे कल्चर एंड आर्ट्स एंड ड्रामा फिल्म के हवाले से, मैं उनके साथ हूँ।